जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आप में से जो पहले अपना आइडिया शेयर करना चाहता है वो काइंडली शेयर करें, बोलें आप लोग वन बाय वन। अब्दुल रहीम बच्चे पहले आप शेयर करना चाह रहे हैं। सर वालेकुम अस्सलाम। सर आइडिया कुछ ऐसा सच कंफर्म नहीं है, लेकिन एक चीज थी दिमाग में, ठीक है। अभी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करनी है ये सब डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन स्टिल एक आइडिया था, उसके बारे में कुछ बात करना चाहूंगा और उसमें गाइडेंस चाहिए होगी आपकी। जी जी बताएं। सर मैंने अपने फ्रेंड्स थे कुछ जिन्होंने अभी रिसेंटली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दिया है ना, तो उनसे भी मैंने डिस्कशन की थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि जो आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आप बनाएं तो वो मतलब ज्यादा अच्छा उनका इम्पेक्ट होता है, ठीक बिल्कुल है। सही। तो एक एग्जाम्पल यही दिमाग में आई थी कि जैसे अब फार्मर्स होते हैं, ठीक है, वो जितना काश्तकारी गंदम वगैरह वो जब मार्केट में लेके आते हैं, ठीक है, उनसे जो बीच में मिडल एजेंट्स होते हैं, मेन चीज जो है जो मिडल एजेंट्स होते हैं वो प्राइस बढ़ा बढ़ा के एट द एंड उस जो चीज होती है वो डबल प्राइस में मिलती है, ठीक है। तो हम ये सोच रहे थे कि कोई एक ऐसी चीज कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट किया जाए कि डायरेक्ट फार्मर से मार्केट में आए, जो बीच में मिडल मैन है उनका जो कट है वो ना हो और जो प्राइजेस हैं वो सूटेबल हो जो अवाम के लिए, एक ये अस्सलाम वालेकुम चीज सोच सर। रहे थे। जी जी लेकिन अब्दुल इसके ऊपर अभी ये हेलो जी जी बात कंप्लीट हो गई है, हाँ अभी करना चाह रहे हैं। और जी जी सर, एक तो ये था और एक और था वो है ये कैंसर से रिलेटेड है, हम अगर वन बाय वन उसमें डिस्कस कर ये रहे हैं ना, हम जैसे मैंने आपका पहला आइडिया सुना, पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं फिर दूसरे पे कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने फर्स्ट वन कहा है जिसमें वो फार्मर एप्लीकेशन आप कह रहे हैं जी, कि जिसने जो बायर है और जो सेलर है इनका डायरेक्ट आप उसमें जो है हम कंटेक्ट करवा दें, दरमियान में जो मिडल पार्टी है जो थर्ड पर्सन है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ऐसे ही है। जी सर, असल में इसके रेलेवेंट पहली बात हुई है कि एप्लीकेशन अवेलेबल भी है, अवेलेबल अगर आप सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपको प्ले स्टोर पे मिल भी जाए। दूसरी बात, अगर हम जस्ट एक फीचर को लेके जी हम कह रहे हैं जी कि हमने एक फार्मर एप्लीकेशन बनाई है, अभी मेरा ख्याल है तकरीबन कोई एक साल बैक अप चले जाए, हमारी यूनिवर्सिटी में ही एक बच्चे ने ये ऐप बनाई थी, उसने उसमें फार्मर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सपोज वो ट्रैक्टर बाय करना चाहता है, उसने कोई मशीन बाय करनी है, उसने कोई फर्टिलाइजर का काम जो है वो करना है, उसने तमाम फार्मर के रेलिवेंट एक उसने ई कॉमर्स स्टोर बना दिया था, ठीक है, उसने कहा जी डायरेक्ट आप जो करें। तो ये जो आप बता रहे हैं इससे वो थोड़ा सा ब्रॉड स्कोप भी था, ठीक है, उसको वो साथ कम्युनिकेट कर रहे थे फार्मर को कि जी अब आपने पानी लगाना है, अब आपने जो है कल्टीवेशन करनी है, अब आपने जो है वो ये फसल लगानी है, अब आप जो है उसको जो है खाद डाल सकते हैं, तो वो साथ उसकी गाइडेंस भी सारी अवेलेबल थी, इवन यानी कि वेदर का भी उसको बता रहे होते थे जी इन डेज में जो है वो वेदर है तो आप पानी ना लगाएं, कुछ पूरी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, तो उसने इस तरह का काम किया हुआ था। तो अगर आप उसमें कोई एडिशनल फीचर लेके आते हैं, जितने मैंने फीचर्स आपको बताए हैं, आप कहते नहीं सर इससे हट के हम एक एडिशनल फीचर्स भी हमारे इंक्लूड है, तो फिर उसको देखा जा सकता है, अदरवाइज जो है इसका स्कोप बहुत कम है। मैंने कहा जो मैंने बातें बताई हैं, अगर इससे मजीद फर्दर अगर आपको पॉइंट ऐड कर लेते हैं तो फिर हो सकता है कि इस पे काम किया जा सकता है, लेकिन अगर जो काम आपने बताया वो लिमिटेड स्कोप है, कम स्कोप है, वो फाइनली प्रोजेक्ट को इतना कम जो स्कोप है वो सूट नहीं करता। जी आवाज आ रही है आपको? हेलो
जी बच्चों आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर हमें तो क्लियर आ रही है। मेरा ख्याल उनका शायद कुछ नेट का मसला है। जी आई थिंक सर मैं छोटी सी मुझे थोड़ी सी जल्दी है ना ऑफिस में था, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं शेयर कर लूं सर। जस्ट आप 30 सेकंड वेट करें, शायद वो बोल पड़े, फिर उसके बाद आपकी टर्न है। ठीक है सर। सर वॉइस तो क्लियर आ रही, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे आगे तो। जी बारिक आप बताएं, मेरा ख्याल है उनके शायद नेट का मसला हो गया। जी बारिक आपको आवाज आ रही है बच्चे तो आप बोले। जी सर बोलूं? जी जी बोले। ओके अच्छा सर मेरा ये आइडिया था, शायद कुछ लोगों को फनी लगे लेकिन सर रियलिटी है कि हम लोगों को हमारे जिन सिस्टर्स हैं उन लोगों की जो है कब्रों का नहीं, उनकी ग्रेव्स का नहीं आइडिया रहता कि वो किधर हैं और किस जगह पर हैं। ठीक है लाइक मुझे अगर फॉर मी मुझे भी नहीं याद कि जो मेरे परदादा हैं या जो उनकी कब्र किस जगह पे है, और काफ़ी ऐसे हैं जिन्हें आइडिया नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का कोई इस तरह के हम लोग एप्लीकेशन एक डेवलप करें जिसके अंदर आपका फैमिली ट्री है, आप अपना से जस्ट फैमिली नंबर ऐड ऑन करें और आपको पता चल जाए कि जो आपके परदादा हैं उनकी उनसे रिलेवेंट जो उनकी मेमोरीज हैं वो आपके पास आ जाएँ, मतलब पिक्चर्स वगैरह हैं, और सेकेंड नंबर पे उनकी जो ग्रेव की लोकेशन वगैरह है वो आपके पास आ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो सारा रिकॉर्ड है। ठीक है आपकी बात कंप्लीट हो गई? यस सर मेरी बात कंप्लीट हो गई है। ओके फाइन। अच्छा जो आपने कहा ना गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है, आपने शायद कहीं ग्रेव की बात भी की है। पहली बात ये अगर जस्ट हमने उनकी उसको सेव करना हो जी के जो उनकी मेमोरीज है, अब देखें सपोज जो आपके आप जैसे आपने कहा जो आपके ग्रैंडफादर थे जो आपके परदादा है, तो उनका जो डाटा हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है उसका हम क्या करेंगे? अभी तो हम स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट इस स्टेज से जाके, या मैक्सिमम क्या कर सकते हैं जी जो आपके पेरेंट्स हैं जो अवेलेबल पर्सन हैं जस्ट आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेके तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं जस्ट ये मैक्सिमम क्या करेंगे जी कि आप उनमें जो है कुछ फोल्डर ऐड कर देंगे पिक्चर्स का वीडियोस का, तो जस्ट हम लाइक डाटा स्टोरेज कर रहे हैं जिसमें हम जी उसमें उनकी जो पिक्चर्स हैं हमने 5-7 फोल्डर्स बना दिए हैं, उनके हम नाम रख दिए हैं। सपोज इसका नाम है जी अली, इसका नाम है जी असलम, इसका नाम है अबू बकर, उसमें हमने सब उनकी डिटेल दी हुई है। और जो आप क्या ऐसे कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये छोटा सा काम है, बिल्कुल छोटा सा है, और इसका हमें क्या बेनिफिट होगा? जस्ट ये कि हम कमिंग जनरेशन को ये बता सकें कि जी आपके ग्रैंडफादर इस तरह के थे, उनकी ये उनकी जो है काम उनका ये था, और इस तरह कुछ काम करना चाह रहे हैं आप? सर अगर आप इस तरह डिस्कस करें तो सर मतलब मैं बेसिकली डील आपने बहुत छोटी चीज पे डिस्कस कर दिया कि हम लोग उसके अंदर एक फोल्डर या दो फोल्डर, सर अगर हम सिर्फ डिस्कस करें नादरा के डेटाबेस के ऊपर, वहाँ पे सर वो डील कर रहे हैं बहुत बड़े डाटा से। ठीक है हालांकि वहाँ पे भी सर क्या इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, फैमिली ट्रीज चल रहे हैं, और इसके अलावा सर ऐसे कुछ भी नहीं, लेकिन जो मेजर चीज है उनके पास वो है उनका बिग डाटा। वहाँ पे वो बिग डाटा के साथ जो है बिग डाटा को अरेंज करके और उसको यूजेज में लेके आ रहे हैं। ठीक है तो मैं खाली एक दो पिक्चर्स नहीं, मैं इसके वाले से मैं ये चाह रहा था कि हम इधर भी कोई ऐसा नादर तो हमारा जो डाटा है वो मेंटेन कर रहा है जस्ट वहां तक कि जब तक आप जिंदा, उसके बाद उसने आपको एक डेथ सर्टिफिकेट इशू कर देना है और ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब जिस तरह हमारे पास सिनेरियोस केसेस निकले हैं कि लोग मरे हुए लोगों के शिनाख्ती कार्ड जो है वो बने हुए हैं और उसके ऊपर जिस जनाब सिम्स निकली हुई है, तो मैं ऐसा इस तरफ कुछ बिग डाटा के साथ करना चाह रहा था सर। ओके फाइन। ये जो आपने एंड पे बात की है कि जी मरे हुए लोगों के पे भी आईडी कार्ड बने हुए हैं, सिम्स उनके निकली हुई हैं, आपका सिस्टम हमारी कैसे हेल्प करेगा, क्या बताएगा जी, क्या इसकी कहीं कनेक्टिविटी होगी सिम वाले लोगों के साथ, नादरा के साथ, उनको इन्फॉर्म कर रहा होगा इस बंदे की डेथ हो चुकी है, क्या करेगा सिस्टम, कैसे हेल्प आउट करेगा,
ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सिस्टम क्या करेगा सर. उसके लिए जो मैं एक चीज मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूं सर, लोकल यूनियन काउंसिल में आपका डाटा मौजूद रहता है. हर बंदे को पता है आपकी लोकल यूनियन काउंसिल में जब भी आप कोई भी डेथ होती है तो लोकल यूनियन काउंसिल से आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है. होता क्या सर कि आपकी लोकल यूनियन काउंसिल वो डेथ सर्टिफिकेट तो आपको इशू कर देती है, लेकिन वो डेटा जो है वो आगे, अब करंटली तो खैर वो आगे ट्रांसफर हो रहा है लेकिन उस ट्रांसफर रेट के साथ ट्रांसफर नहीं हो रहा. तो हम क्या करेंगे सर, हमारा एक मॉड्यूल लोकल यूनियन काउंसिल के साथ कनेक्ट होगा जो बताएगा कि मतलब वहां से वो उसमें डाटा एंटर करेंगे कि आज ये वाला जो शख्स है वो ये दुनिया छोड़ के चला गया है. ठीक है, वहां से वो डाटा वो एंटर करेगा. उसके साथ फिर हम नादरा के यूजर, जो नादरा के ऊपर एंटिटीज होगी उसको भी हम वहाँ पे जो डेथ डिक्लेयर करेंगे कि हाँ जी अब ये वाला जो पर्सन है इसके अगेंस्ट कोई भी जितने भी इसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब काबिल कबूल नहीं है, वो ये जो शख्स है वो मर चुका है. सर इस तरह का मैं कुछ अभी डिटेल प्लान ऐसे कोई रेडी नहीं है लेकिन एक रफ सा स्केच है. आप क्या लगता है कि आपकी एप्लीकेशन को लोकल यूनियन काउंसिल वाले और नादरा वाले इसको ऑथराइज करेंगे, आपने सिस्टम से इसको कनेक्ट करेंगे, आपको परमिशन देंगे कि एक लोकल पर्सन जो है वो गवर्नमेंट के सरकार के चीज़ों को यूज़ करे और ये सब कुछ अलाउ हो सकता है? सर फॉर द सेक मतलब इस तरह तो फिर काफ़ी ज़्यादा आइडियाज हैं जो सिर्फ इस वजह से रुक सकते हैं कि गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देगी, लेकिन आप क्योंकि एक आइडिया शेयरिंग का ऑप्शन था तो मैंने जैसे अपना एक आइडिया शेयर आउट किया कि हम लोग इस तरह जो है वर्क कर सकते हैं. बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन और दूसरी बात जो आपने ग्रेव की लोकेशन की बात की थी उसका मुझे थोड़ा सा आप ज़रा बताएं कि जी उसकी लोकेशन का, जैसे आपको अगर आइडिया आपने कहा जी उसका रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास, अगर आप विला से बिलोंग करते हो तो यहाँ तो किसी का रिकॉर्ड और ग्रेव की लोकेशन का रिकॉर्ड तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे गवर्नमेंट के पास होता होगा. सर वहाँ पे एक लोकल पटवारी सिस्टम चलता है शुरू से, आपको भी सर आइडिया होगा मतलब. बिल्कुल ठीक है, मैं तो यहाँ पे शहर के रहने वाला, मुझे इतना आइडिया नहीं लेकिन जो मेरे नजदीक जो मैंने सुना है वहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसा रफली पेपर्स के ऊपर डाटा तो मेंटेन हो ही रहा है ना कि आपका आज फलाना शख्स वफात हुई, या फिर वहाँ पे भी तो डेथ सर्टिफिकेट्स इशू हो ही रहे हैं ना, और वहाँ पे मेंशन भी होता है कि आपकी किस कब्रिस्तान में जो तदफीन हुई है वो आया लोकल यूनियन काउंसिल कर रही है, कोई पटवारी कर रहे हैं, वट एवर जो भी है. तो सर इसी हवाले से उसका एक मॉड्यूल हम शेयर करेंगे, मैं इसे बात कर दूँ, उसका एक मॉड्यूल हम शेयर करेंगे लोकल सिटीजन के साथ, जिसका उससे ये बेनिफिट होंगे कि अपने वो इंसेस्टर्स की जो है ग्रेव उनके मतलब लोकल सिटीजन को ये बेनिफिट हो जाएगा, बाकी गवर्नमेंट तो अपने बिग डाटा के साथ खेल ही रही है. देखें अब मसला फिर वहां आ रहा है ना, अब देखें कि किसी पर्सन को भी जब तक असल में यहाँ होना ये चाहिए कि जिस पर्सन के साथ इंसिडेंट हुआ है, जिसके फैमिली मेंबर की डेथ हुई है, वो इटसेल्फ डाटा को अपलोड करेगा तो बात बनेगी, क्योंकि कहीं भी ये लोकल सेक्टर में विलेज के अंदर इतने बड़े बड़े कब्रिस्तान होते हैं, मैं कहता हूँ जी कि इस बंदे की कब्र जो है फलां कब्रिस्तान में है, अब वहाँ जाके अगर फॉर एग्जांपल हमारी कमिंग जनरेशन जो है अपने ओल्ड वंस की कब्र को देखना चाहती है, वो कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जस्ट अगर हम उनको कब्रिस्तान का बता दें, हमें एग्जैक्ट पिन पॉइंट करनी पड़ेगी वो लोकेशन. ठीक है, तो वो पिन पॉइंट जो है कभी गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये इंडिविजुअल सेल्फ कर सकते हैं. और दूसरी बात, आपने सुना अगर कहते हैं जी कि लाइक 100 ईयर्स के बाद जो है वो कुछ इस तरह के जो है तूफान आते हैं, सैलाब आते हैं, वो पानी इतना खड़ा होता है, तो यानी कि वो जो कब्रों के नामो निशान है उसको मिटा दिया जाता है. इसी तरह से जो है वो कहते हैं जी कि जब जो है रोज़े क़यामत में एक कब्र से वो जो है लाइक मेरा ख्याल है अल्लाह माफ़ करे गलती को लाइक 70 शायद जो मूर्तें हैं वो एक कब्र से निकलेंगे. तो ये जो हम काम करना चाह रहे हैं कि पॉसिबल होगा कि हम इसमें कुछ काम कर सकते हैं? सर आपके बिल्कुल की पॉइंट्स वैलिड हैं सर, उनके ऊपर तो ये है मेरा बल्कि बिल्कुल एक रफली सा एक आइडिया था इसके ऊपर. तो सर फिर अगर तो आप मतलब इसके ऊपर आप कहें कि आप थोड़ा सा वर्क स्टार्ट करो, मुझे आइडिया अच्छा लगा है, ठीक है आप जो ये की पॉइंट्स हैं इनके ऊपर वर्क करके इनका मुझे आंसर करो सर, फिर तो मैं इसके ऊपर वर्किंग भी करूँगा और जो है ओवरऑल जो आपके जो क्वेश्चन राइज हो रहे हैं मतलब इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं फिर उनके आंसर्स भी तलाश करूंगा विद इन अ वीक, ताकि मेरा आगे जो नेक्स्ट कमिंग टाइम है वो अगर तो नहीं हो रहा तो फिर तो मैं ऐसे यहीं भी आइडिया को लीव आउट कर दूंगा. लेकिन तो अगर आइडिया के आपको पसंद आया है और उसके ऊपर वर्किंग हो सकती है
तो व्हाई नॉट सर, मैं फिर जो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं आइडिया के ऊपर, तो मैं ऑब्वियसली बात है सर उन क्वेश्चंस को जो है वो रिमूव करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल आप इस पे काम करें, क्योंकि कोई भी जो आइडिया आता है ना, वो आइडिया अगर कोई छोटा आइडिया हो तो उसमें हम उतने फीचर्स ऐड करके उसको जो है फाइनली प्रोजेक्ट के स्कोप पे लेके आ सकते हैं। तो आपको जो मैंने पॉइंट्स कहे हैं आप उन पे वर्क करें, फर्दर देखें उसमें क्या क्या कुछ ऐड कर सकते हैं, कितने इसमें फंक्शनैलिटी हो सकती है, किसका क्या क्या रोल होगा, तो हम बाकी इस पे काम कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आप नेक्स्ट क्लास में वो शेयर कीजिएगा ताकि हम उसको देखेंगे फिर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, मेरा यही था आइडिया, और जैन का शायद कुछ आइडिया वो आपके साथ डिस्कस कर। जी जी, नेक्स्ट पर्सन आप अपना आइडिया बताएं। जी जैन बच्चे बताएं, आप बोले। जी जैन सर, आवाज आ रही? जी जी बोले। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक्चुअली मेरा आइडिया इस हवाले से था कि जैसे हम देखते हैं कि एक छोटा शॉप वाला या कोई बड़ा ब्रांड है, वो ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं होर्डिंग पे, और हर किसी शॉप की या किसी भी ब्रांड की या कोई छोटा ब्रांड है उसकी इतनी हैसियत नहीं होती कि होर्डिंग पे करे या वो रोड साइड जो एडवर्टाइजमेंट कर सके। ठीक है जी, जी आप बोलते जाए, मैं सुन रहा हूँ। जी तो उसका था कि अगर यानी कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन करते हैं कि जिसके अंदर हम यानी कि दो उसके सेक्शन रखते हैं, जिसमें क्या होता है एक शॉप सेक्शन होता है, तो शॉप वाला कोई आता है या कोई भी ब्रांड है वो आता है, वो अपना उस एप्लीकेशन पे एड लगाता है। ठीक है, और वो सिलेक्ट करता है कि ये जो मेरा एड है वो इतने एरिया में अवेलेबल है या ये इस एरिया में अवेलेबल है ये चीज़, या मैं इतने परसेंट ऑफ दे रहा हूँ उस चीज पे। तो अगर एक सेक्शन ये हो गया शॉप वाला, और एक लोकल पर्सन आता है कोई जो एक एप्लीकेशन वो इंस्टॉल करता है अपने फोन में या वेब से उसको वो रीच करता है, तो वो उसमें यानी कि कपल ऑफ ऑप्शंस उसको दी जाए कि वो अपने एरिया सेलेक्ट कर सकता है कि यार मैं इस एरिया में मैं देखना चाहता हूँ किन चीजों पर मुझे इस टाइम डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो एडवर्टाइजमेंट देख सकता है डिफरेंट कंपनीज की, वो अपना रेडियस सिलेक्ट कर सकता है कि यार मैं इतने रेडियस में दे सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट हम उसको दे सकते हैं कि अगर बाय डिफॉल्ट वो ओपन करता है एप्लीकेशन और यानी कि लोकेशन सेट नहीं करता, तो हम उसको सिर्फ लाहौर का शो करवाएं, लेकिन अगर वो पूरे पाकिस्तान का देखना चाहता है तो उसको पाकिस्तान का दिखाएं कि यार इस एरिया में ये शॉप है, या वो एक हम जैसे फेसबुक पे पिक्चर्स आती हैं उसी तरह हम स्ट्रीम शो करवा दें कि ये ऐड चल रहे हैं, वो उस ऐड को भी दे सकता है, या अपने तरफ से ऐप की सेटिंग करके रेडियस सेलेक्ट कर सकता है, अपनी लोकेशन सेट करके दे सकता है, या वो ये सेट कर सकता है कि यार मुझे ऐसी चीज ऐसे ऐड सिर्फ दिखाओ जिन्हों में 50% ऑफ दिया जा रहा है, या उसको 30% ऑफ दिया जा रहा है। ठीक है, आपका आइडिया कंप्लीट हो गया। जी सर, बाकी सर इसमें पिन पॉइंट यही थे बाकी कि जब वो लॉग इन करेगा उसके इंटरेस्ट बेस होगा कि उसको किस चीजों में इंटरेस्ट है, वो उसकी सिलेक्शन होगी, वो उसको बाद में चेंज भी कर सकता है, इस तरह एक उसका पूरा अकाउंट होगा जिसमें वो अपने इंटरेस्ट ऐड कर सकता है, उसको हार्ट का जैसे सेव का ऑप्शन होता है क्या ये चीज मुझे अच्छी लगी है, वो उसका कर सकता है, स्पेसिफिक ब्रांड का वो देख सकता है कि शॉप उसको एक लिस्ट शो होगी। अच्छा, या पिक्चर्स की स्ट्रीम में वो देख सकता है। आपने जो है draz.pk देखा होगा, आपने ईबे की साइट देखी होगी, आपने ओलेक्स को देखा होगा, आपका काम जस्ट उनसे हटके, उनका काम तो बहुत ज्यादा, आप जस्ट एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहां वो प्राइस बताते हैं जी, प्राइस आप सिलेक्ट करें कितनी आपकी रेंज क्या है, वहां आप परसेंटेज लेके आ रहे हैं ऐसे ही, कितने परसेंट ऑफ है जी। ठीक है, मतलब ये आपके पास दो यूनिक फीचर्स आप कह रहे हैं जी। तो ये जो एड्स हैं, तो एड्स तो जो है जब आप उस पर जाते हैं द्रास पे, उस पर भी चल रही होती हैं, लेकिन वो बड़े सेलर्स की होती हैं, तो आप चाह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सबकी एड चल रही हो, सपोज जी हम 1000 लोगों ने शॉप क्रिएट कर ली है, ठीक है जी, 1000 में से 1000 नहीं अपनी एड चला दी है, अब जितने भी लोग जिन लोगों ने वहां लॉग इन किया है एज ए कस्टमर, तो क्या उन सबको 1000 लोगों की एड नजर आएगी पहले अगर वो एड के सेक्शन में जाता है? नहीं, देखें
सर वो जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम पे हमें स्ट्रीम शो होती हैं पिक्चर्स की, इस तरह उसको शो होगी और जाहिर सी बात है जो एड विन करेगा, जैसे रैंकिंग चलती है कि किसी एड को लोगों ने ज्यादा पसंद किया, ठीक है, लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट था या वो ज्यादा जो है वो दे रहा था उस पर ऑफ दे रहा था, तो उसका एड जाहिर सी बात है वो ऊपर रैंक करेगा। तो इसी तरह जैसे हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं वो उसी तरह यूज होगा, ऐप नीचे एड्स आते रहेंगे। जैसे आपको भी पता है कि ये चीज़ एडिक्टिव होती हैं, जब इंसान शुरू होता है, जब लाइफ में मैंने भी जब नया नया दराज शुरू किया था मुझे बड़ा शौक था दराज पे, मैं चीजें देखता रहता था। ओके फाइन, ये एक आइडिया हो गया जी। आप कहते हैं कि हम लोग आपके शॉप की आपके बिजनेस को इजी बना देंगे, हम आपके एडवर्टाइजमेंट कर देंगे। ओके फाइन जी, और फीचर गिनवाएं। और दूसरा फीचर ये मैंने आपको बताया था कि वो एक परसेंटेज वाला था कि हम उसके डिस्काउंट के यानी कि परसेंटेज सेट करते हैं, फिर रेडियस सेलेक्ट कर सकते हैं यूजर जो आ रहा है शॉप करने के लिए, तो वो अपना रेडियस सेलेक्ट कर सकता है कि यार मैंने इस एरिया में मैं देखना चाहता हूं। ओके फाइन ठीक है जी, तीन फंक्शन हो गए वो ये बताया, बाकी वो नॉर्मल है फंक्शन, जैसे इंटरेस्ट बेस्ड सिलेक्शन होगी, इंटरेस्ट बेस्ड उसको एड शो होंगे, उसके बाद एक ब्रांड की साइट पे लिस्ट भी आएगी कि जाहिर सी बात है शॉप का नाम होगा। उसका इंटरेस्ट हम कैसे देखेंगे, हमारे पास कहीं को फॉर्म होगा वो फिल करवाएंगे, उसका इंटरेस्ट आपका क्या है, पहले आपने सर जैसे बताएगा जी सर, जैसे हम इंटरेस्ट आपने यूज किया हो तो जब उसमें हम लॉगिन करते हैं अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो हमसे इंटरेस्ट पूछता है, या हम ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो हमसे इंटरेस्ट पूछता है हमारे, ठीक है। और सर इसमें ये भी जो सर्च करते हैं हम वो भी आता है, वो इंटरेस्ट पे आ जाता है। और फिर हम सर्च कर सकते हैं कि कोई यानी कि कोई जैसे रैंक कर जाते हैं ऐड कोई बहुत ज्यादा तो उसका स्टार्ट पे पोस्टर शो हो जाएगा, तो बिल्कुल फ्रंट पे जैसे रैंकिंग, आपको पता होगा गूगल जैसे रैंकिंग करता है। इसमें मसला ये आ रहा है कि इसमें जो आप काम बता रहे हैं इसमें फीचर बहुत कम है, ठीक है, आप उसको या तो किस तरफ ले जाएंगे, आप कहेंगे लाइक हम ई कॉमर्स स्टोर टाइप बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स स्टोर टाइप की तरफ ले जाएंगे तो फिर आपको वो सारी कैटेगरीज भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी, जैसे कि ईबे पे हैं, द्रास पे हैं, अमेज़न पे हैं, उनकी तरह की कैटेगरीज। सर कैटेगरीज ऑलरेडी होंगी इसमें, कैटेगरीज वो सारी ई कॉमर्स स्टोर की होंगी जी सर, यानी कि जाहिर सी बात है कैटेगरी होगी, कोई अगर किसी का कोई शूज है जैसे बाटा उसके पास शूजेस होते हैं, जाहिर सी बात है वो शूजेस की कैटेगरी में लाइक करेगा, अब किसी का कोई क्लोथिंग का होता है वो क्लोथिंग में लाइक करेगा, उस तरह की जैसे यानी कि एक तो होती है ना बिल्कुल डीप लिस्टिंग होती है जैसे दराज वगैरह पे, उस तरह शायद ना हो सके क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक शॉप यानी कि हो सकता है कि वो, या ये हो सकता है सर कि जैसे मेरी एक शॉप है, मेरे मैंने वॉचेस भी रखी हुई हैं और साथ मैंने शूज भी रखे हैं, लेकिन मैं ऑफ सिर्फ वॉचेस पे दे रहा हूँ। असल में ये जो है दराज और अमेज़न ईबे ने इस पर बहुत काम किया हुआ है, वो तो लाइक रिकमेंडेशन सिस्टम भी है, आप एक प्रोडक्ट बाय करते हैं उसके रेलेवेंट प्रोडक्ट्स भी आपको दिखा रहे होते हैं, तो वो जो चीज़ें सारी हैं उन्होंने तो बहुत एडवांस काम किया हुआ है। आपको जो फीचर एक आ रहा है जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट का है कि जी हम उनको एड्स दिखाएंगे और जो है उनके, अब एड में क्या क्या फीचर्स होंगे किस तरह के होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट को देख के आइडिया होगा कि क्या जो उसमें जो ऐड है जस्ट क्या किसी कोई कोई एल्गोरिथम पे बेस कर रही है, कोई मशीन लर्निंग बेस ऐड है, और फॉर एग्जांपल जी कि आज मौसम है कि रेनी सीजन है, तो क्या जो आप उस बंदे का जो इंटरेस्ट है क्या उसको आप जो ऐड दिखाएंगे वो लाइक किसी कुकिंग ऑयल की दिखा देंगे, लाइक उसको जी आप जो है बेकरी के सामान की दिखाएंगे, ये उसको आप उसको बताएंगे जी, या उसको आपको शू की दिखाएंगे, डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या यूनिकनेस लेके आते हैं। यानी कि सर आप इसमें कह रहे हैं यूनिक ला सकते हैं, जैसे सीजनल हम चीजों को कर सकते हैं सीजंस में डिवाइड, बिल्कुल, मतलब कि कुछ इस तरह का काम हो, और जो है इंटरेस्ट उसका मतलब कि यूजर का रन टाइम पे डिसाइड करे। स्टार्ट में आपने पूछ लिया, जब हमने एप्लीकेशन बनाई उसका इंटरेस्ट पूछा, उसने कहा जी कि मैं जो है टी शर्ट को ज्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन उसका बाद में इंटरेस्ट बदल गया, उसने जो है वो टी शर्ट को छोड़ दी, आज उसका जो है वो गर्मियों का सर्दियों का मौसम था, तो अगर आप हम उसे जो है सर्दियों में टी शर्ट्स की ऐड दिखाएं ये तो ज्यादती है, तो फिर हम उसको चाहिए नहीं सर, एक्चुअली वो ना इसका मैंने ये निकाला था कि जैसे हम एक तो अब आपने ट्विटर देखा होगा, ट्विटर पे जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आप इंटरेस्ट अपने, हालांकि अपने इंटरेस्ट आप सिलेक्ट करते हैं
लेकिन उससे हट के भी आपको चीज शो होती है, लेकिन जब उस चीज को आप लाइक करना शुरू हो जाते हैं तो आपको वही चीज शो होने शुरू हो जाती है, आपके इंटरेस्ट को बैक एंड पे कर दिया जाता। बहरहाल इस आइडिया को आप मैच्योर करें, इसमें मजीद पॉइंट्स ऐड करें, फीचर्स लिखें, डॉक्यूमेंट करें इसका, फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे इसके सारे फीचर्स के साथ बताइएगा, तो फिर उसको देख लेंगे हम। जी वालेकुम अस्सलाम। फरहान असलम सर। जी जी बोले सर। मेरे पास कोई रिसर्च बेस्ड आइडिया तो नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस चीजें हैं कुछ रिसेंट दिनों में ना। जी जी। अच्छा सर जी, एक तो है, पिछले दिनों ना मैं रिपोर्ट करवाई थी अपनी, एक टेस्ट करवाया था। तो उसके लिए मैं घूमता रहा, कभी इस डॉक्टर के पास जाऊं, कभी उसके पास जाऊं, मतलब डिफरेंट डॉक्टर मैंने विजिट किए। फिर उसके बाद जाके मतलब रिपोर्ट मुझे पता चला उसका रिजल्ट, तो मैं सोचा था क्योंकि एक एआई बेस्ड ऐसी ऐप बना दें जो हमारे एरिया में मौजूद, हमें हमारे डॉक्टर के बारे में बताए और हमारी रिपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपलोड करें, उसका स्टेटस हमें पता चल जाए, मतलब उसका हमें रिजल्ट्स वगैरह मतलब मेडिकल से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है, इस तरह की फिजिबिलिटी और फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करें आम बंदे को। मतलब जैसे मैं हूँ, अगर मैं शिकार होता हूँ किसी चीज़ का, मतलब किसी भी बीमारी का खुदा ना हास्ता, तो मुझे उस ऐप के जरिए पता हो कि मेरे एरिया में ये डॉक्टर है, मुझे सर्जन की ज़रूरत है, मुझे मेडिकल डॉक्टर की ज़रूरत है, या फिर मुझे फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, मतलब मुझे पता हो कि मैंने किसके पास जाना है उस ऐप की बेस पे। मतलब उसमें हम ऐसे फीचर्स ऐड करें कि बंदा अपनी सिचुएशन ऐड करे, अपनी रिपोर्ट्स ऐड करे, रिपोर्ट्स कोई भी हो सकती हैं, लैब रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, और वो एआई एल्गोरिथम पे बेस करके उन रिपोर्ट का रिजल्ट जनरेट करके आपको डॉक्टर रिकमेंड कर दे या अवेलेबल डॉक्टर का बता दे, इस टाइप का। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी जो करंट कंडीशन है उसके सिम्टम्स बताएं, और अगर आपने कोई रिपोर्ट बनवा ली है, सपोज फॉर एग्जांपल सिम्टम्स के बेस पे आपने कहीं से रिपोर्ट बनवाई थी, उस रिपोर्ट के पिक्चर इशू करें, तो वो एआई बेस में आपके रिपोर्ट्स को पढ़े और आपको रिकमेंड कर दे जी, फॉर एग्जांपल आप में लाइक वक्त लिखा होता है जो रेंज बताई होती है कि जी आपका ये पॉइंट है, ये रेंज होनी चाहिए थी, आप में वाइट ब्लड सेल इतने हैं, इतने होने चाहिए थे, रिपोर्ट्स को रीड आउट करे और एंड पे कंक्लूड भी करे, और कंक्लूड करके आपको बताए कि आप इस एरिया में ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं, आप उनसे कंसल्ट करें, ऐसा चाह रहे हैं। जी सर हाँ, और इसमें ये भी हम ऐड कर सकते हैं कि डॉक्टर्स ऐड कर देते हैं जो मतलब मैं हूँ ना, मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ, वहाँ पे लंबी लाइन है, मतलब रिपोर्ट दिखाना कोई इतना बड़ा काम तो है नहीं, तो मैं 2-5 घंटे बैठता हूँ, टाइम लेता हूँ डॉक्टर से, तो बजाय इसके कि वहाँ 10-5 घंटे बैठने से रिपोर्ट ऑटोमेटिकली वहाँ से रीड होकर हमें बता दिया जाए एआई बेस के, मुझे डॉक्टर की विजिट करने की जरूरत भी है कि नहीं, मतलब मुझे अब जरूरत नहीं थी डॉक्टर विजिट करने की, लेकिन मुझे फिर भी एक वहम था और डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने की हाथ में 3-4 हॉस्पिटल गया, मतलब बेवजह मतलब बेतुका सा ही ऐसे घूमना फिरना और फजूल का ये सारा कुछ, इसकी बेस पे मेरा आइडिया बना। हम ये कैसे ऑथेंटिकेशन इसकी कैसे होगी, जो हम काम कर रहे हैं, जो हमें एआई बेस वो बताएगा कंक्लूजन करके, बता देगा हमारे रिपोर्ट्स के रिजल्ट। डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा अच्छा और आपके पास डाटा अवेलेबल होगा, जितना अच्छा डाटा सेट होगा वो जितना ज्यादा डाटा सेट होगा, तो हमें इसके पास हमारे पास वैरायटी ऑफ डाटा अवेलेबल हो तो फिर जाके वो डिसीजन मेकिंग करे, और फिर भी ये जो मशीन लर्निंग में जो एक्यूरेसी है, सम टाइम चांसेस होते हैं कि एक्यूरेसी जो है वो कम हो जाएगी, अगर वो कम हो जाती है ये सही नहीं। उसमें हम ये करेंगे, उसमें हम डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कर देंगे अपनी ऐप में, डॉक्टर्स जब अवेलेबल होंगे तो वो जब सारा कुछ जनरेट हुआ होगा, आप डॉक्टर से मतलब अपॉइंटमेंट लेके ऑनलाइन ही डॉक्टर को वो अपनी रिपोर्ट जनरेट हुई जो है जो भी आपका डाटा वो कंफर्म भी करवा सकते हैं, अगर आपको डाउट है या फिर अभी आप मतलब मेरी रिपोर्ट आई है जनरेट हुई है, मेरे रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके उसी ऐप के थ्रू डॉक्टर्स को चेक करवा कंफर्मेशन ले सकता हूँ डॉक्टर से कि क्या वाकई ये ठीक है या नहीं। मतलब मशीन लर्निंग के साथ साथ हम रियल लाइफ को भी साथ में लेके चलेंगे, ये नहीं कि हम उसी पे बेस करेंगे बस जी, सब कुछ वही है। ओके फाइन। मतलब डॉक्टर को भी सर फीचर्स मैंने लिस्ट नहीं बनाई, मतलब रफली आज बस मेरे माइंड में आइडिया और मैंने आपको बता दिया ऐसे ही।
रफली अभी बताया मैंने, अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, मैं डॉक्यूमेंटेशन इस पे बकायदा करूंगा और एक और आइडिया वो भी सुन लीजिएगा आप जी। वो जरा थोड़ा सा ना मैच्योर सा आइडिया है, हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल शायद हो या ना हो, मतलब वुमेन्स का ना ओवुलेशन फर्टिलाइजेशन सिस्टम जो साइकिल होता है, मतलब उसको वो इंडिविजुअली ट्रैक कर सके, उन्हें पता हो फर्टिलिटी का, एग्स का सारा कुछ, मतलब वो अपना सारा प्रोसेस उसको ट्रैकिंग हो उनके पास और उन्हें पता हो अपने ये पीरियड्स वगैरह, मतलब इस टाइप का वो जरा है। डिटेल में तो अभी शायद मैं नहीं आपसे बात कर पाऊँ, लेकिन आइडिया ये है, कंसेप्ट ये है, तो आप बताएं अगर उस पर भी अगर आप क्या सुनना चाहें या आपको लगे कि मैं सुनाऊँ तो बेहतर है वो भी। इस पर डिस्कशन हो सकती है क्योंकि मेरे जानने वाला स्टूडेंट है किसी और यूनिवर्सिटी का, उसने इस पर पूरी एक ऐप बनाई थी, वो फीमेल ही है, उसकी सिस्टर डॉक्टर थी, उसकी कंसल्टेशन के साथ जो फीमेल्स की प्रॉब्लम होती हैं, जो जो इनके इश्यूज होते हैं, मतलब के टिल बच्चे के बर्थ तक और उससे जो पहले के प्रोसेस हैं, वो तमाम चीज़ें विद गाइडेंस उसने जो है वो सारी एलैबोरेट की हुई थी। तो अगर उस तरह का प्रोसेस हो जाए तो उसमें भी काम किया जा सकता है, इसको कोई इशू नहीं होगा कि खाली वो मतलब गाइडेंस नहीं होगी, उसमें ट्रैकिंग होगी, आप अपने पूरे ड्यूरेशन को ट्रैक कर सकोगे, और अगर उसमें कोई ऊंच नीच होती है, मतलब गड़बड़ होती है या मतलब एरर है, मतलब समझ लेंगे आसान अफाज में, मतलब कोई कमी बेशी है या कोई मसला आ रहा है, तो वो ऐप इस काबिल हो कि वो आपको मतलब बता दे यार, मतलब डेज का इतना डिफरेंस आया है, तो कोई इशू है आपके साथ, आपको कोई मतलब डिजीज हो सकती है, आपको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, मतलब ये मैं इस टाइप का कह रहा था। ये इस पर काम किया जा सकता है, लेकिन हमें किसी गाइडेंस रिक्वायर्ड होगी किसी वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जो के साथ इसको हेल्प आउट करे, और इसमें जो है कुछ फीमेल्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर जाके इस पर काम किया जा सकता है। जी आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है आवाज, मैं कह रहा हूँ कि आप बता दें वेल प्रेफर्ड दोनों में से कौन सा आईडी पे मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कर लूँ। मुझे आपका जो है बाद वाला आइडिया ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस पे सोसाइटी जो है ना वो बड़ा कि हेजिटेशन फील करती है, लोग इसे डिस्कस नहीं करना चाहते, और सर, जी सर मैंने इसीलिए पहले कहा है कि जरा मैच्योर सा आइडिया, तो इस पे काम करें तो इसको ज्यादा मैच्योर मिल सकती है। चलें सर, मैं ना थोड़ा टाइम चाहिए मुझे दोनों आइडियाज को, मैं पैरेलल लेके चलूंगा फिर एट द एंड फिर। जी बिल्कुल सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच फरहान जी। नेक्स्ट जो है हेलो जी जी फरहान जी जी बच्चे ओ किस सर जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू अल्लाह आपको, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है। तो कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी बच्चे बोले आप। सर मैं अली शेर बात कर रहा हूँ, बेसिकली हमारा जो एफआईपी का आईडी है वो ये था कि ड्यू टू द कोरोना वायरस हमें जिस तरह घर में बहुत से इश्यूज फेस करने पड़े थे, जस्ट लाइक जिस तरह बहुत से इंस्टीट्यूट थे वो क्लोज थे कोरोना वायरस की वजह से, तो हमने बच्चे आपकी आवाज ब्रेक कर रही है बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है, मेरी तरफ से कहीं इशू तो नहीं है? सर आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, आपकी आवाज, सर आवाज आपकी सही आ रही है बिल्कुल। तो उनका मेरा ख्याल नेट का मसला हो गया, अभी हमारा जो टाइम है वो आफ्टर 3 मिनट एक्सपायर हो जाएगा, मैं दूसरा लिंक जो है आपसे शेयर कर रहा हूं ग्रुप में, उसके थ्रू आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके सर। जी तब तक और बात को शेयर करना चाह रहे हैं कि और स्टूडेंट मुझे बताएं, अभी हमारे पास 2 मिनट हैं। सर एक और छोटा सा आइडिया था, इजाजत हो तो। जी बोले। हेलो जी, सर एक और जो मैंने 2-3 आइडिया सोचे उनमें से ये दूसरा मैं शेयर कर देता हूँ।
हेलो जी जी बच्चे बोल रहे हैं आप, मैं सुन रहा हूँ सर, आवाज आ रही है जी? अच्छा सर, आइडिया ये था कि बेसिकली हम एक एआई मशीन को ट्रेन करें इस तरह, लाइक एक कैमरा है उसे एआई कैमरा, ठीक है, उससे हम लोग ट्रेन करें इस तरह कि उसे हम कोई एक इमेज दिखाएं कि, और जब भी वो पर्सन उस कैमरा के आगे से गुजरे तो वो उसे डिटेक्ट कर ले। अब सर बिल्कुल ये सिंपल सी, अगर आपको फिलहाल मेरी बात इस तरह लग रही है जैसे हम लोग आम फोन के एआई हमारे मोबाइल फोन के कैमरा के जो है मोबाइल फोन के लॉक्स होते हैं, लेकिन सर थोड़ा सा इसका यूजेज मैं आपको बता दूं। सर जिस तरह मेले वगैरह के अंदर भीड़ में बच्चे गुम हो जाते हैं तो वहां पे हम लोग एक किसी ड्रोन के ऊपर इस तरह के हम अपना कैमरा लगा देंगे और हम उसे स्पेसिफिक कर देंगे कि ये बच्चा है और ये फाइंड आउट करना है अब आपने। सर वो ड्रोन जाएगा, उड़ेगा हवा के अंदर, वो और जब उसके सामने वो बच्चा आएगा वो हमें अलर्ट दे देगा कि ये बच्चा हमारे पास। अच्छा अभी जो टाइम एक्सपायर हो गया, वही सेम चीज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने सिग्नल्स के ऊपर जो कैमरास लगे हैं, कैमरा जो क्रिमिनल है वो खड़ा हुआ, तो हमारे कैमरा से